अनानास, जिसे पाइनएप्पल भी कहते हैं, अपने ख़ास जायके और खुशबू की वजह से तकरीबन सबका पसंदीदा होता है। ये फल देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। इसका जायका तुर्शी माइल शीरी होता है। इसमें कई मिनरल्स और हयातीन होते हैं, इसी वजह से इसका शुमार कुवत बख्श फलों में होता है। इसमें क्लोरीन की खास मिकदार शामिल होती है, इस वजह से ये खाना हजम करने में नहायत मददगार साबित होता है। ये सर्दतर होता है। पके हुए अनानास में विटामिन सी बाकसरत पाया जाता है, इसी वजह से दांतों के दर्द, दांतों से खून आना और मसूड़ों के सूज जाने के अमराज में बहुत फ़ायदा देता है। अनानास खाने से खून की कमी दूर हो जाती है। बास लोगों के गले थायराइड ग्लैंड के बढ़ जाने के बायस फूल जाते हैं, जिसकी वजह से खाने की नाली इंतहाई तंग हो जाती है। इस वजह से उनका खाना पीना मुश्किल हो जाता है। इस तकलीफ को गिलहड़ कहते हैं। इसकी वजह से आयोडीन की कमी हो जाती है। अनानास इस मर्ज में नहायत फ़ायदेमंद साबित होता है। अनानास के इस्तेमाल से नालियों की सूजन भी कम हो जाती है। अनानास खाने से ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं बढ़ता। अनानास खाने से पेशाब खुलकर आता है, जिससे जिस्म में बनने वाले मुजरे सेहत मादे यानी हार्मफुल सब्सटेंस पथरियाँ वगैरह खारिज हो जाती हैं। इसीलिए अनानास गुर्दों और मसानों की तकलीफ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। अनानास जोड़ों के दर्द यानी जॉइंट पेंस के लिए भी बेहद मुफीद होता है। अगर जिस्म में रसौलियाँ सिस्ट हों तो डेली पाइनएप्पल का इस्तेमाल इन्हें ख़त्म कर देता है। कमज़ोर अफराद अगर इसका बाकायदा इस्तेमाल करें तो ये फरबा हो सकते हैं। ज़्यादा पानी पीने से पेट फूल गया हो तो ऐसी सूरत में पाइनएप्पल बहुत मुफीद होता है। ये प्यास की शिद्दत को भी कम करता है। खांसी या नज़ले ज़ुकाम में ये बहुत मुफीद होता है, मगर क्योंकि इसका जायका थोड़ा तुर्श होता है, इस वजह से खांसी और नज़ले में इसका ज़रा इस्तेमाल एतदाल से करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कुछ लोगों के लिए इसका इस्तेमाल दुरुस्त नहीं होता, जिन लोगों को बलगम बहुत ज़्यादा रहता हो, क्योंकि इसके खाने से बलगम बहुत आता है। इसका शरबत सुस्ती और भारीपन दूर करता है और दिलो दिमाग के लिए नहायत फायद बख्श होता है। यरकान में भी इसका इस्तेमाल नहायत फ़ायदेमंद है। अनानास कैंसर के मर्ज से तहफ़ फराम करता है और खून के लोथड़े यानी क्लॉट्स बनने के अमल को भी रोकता है। इसका मुस्तकिल इस्तेमाल बिनाई को कमज़ोर होने से बचाता है और हड्डियों की मजबूती में भी इंतहाई अहम रोल अदा करता है। तो ये आज का मेरा टॉपिक था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, ताकि मेरी हौसला अफज़ाई हो सके। शुक्रिया।